ट्यूशन इन एनिमल क्लास 7 पार्ट 2। जैसा कि हम देख चुके हैं पार्ट 1 में कि फूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, खाना सबसे पहले मुंह में इंटर करने के बाद ईसोफेगस से, दिस इज ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्लोरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ ये स्टोमक में आता है। पहला डाइजेशन जो हुआ, फर्स्ट डाइजेशन अकर्स इन माउथ, सेकेंड स्टोमक। अब स्टोमक से पचा हुआ खाना इसके द्वारा, दिस इज द डियोडिनम और दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये जो मसल्स है वो धीरे धीरे स्टोमक से खाना जो है सो भेजता है। कहाँ भेजता है? डियोडिनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है डियोडिनम। अब यहां पर डियोडिनम में मीडिया हो जाता है अल्कलाइन, तो हम देखते हैं खाना पचने का दो मीडिया, एसिडिक मीडिया स्टोमक और अल्कलाइन मीडिया, ये जो है सूड डियोडिनम है। अब देखिए यहां पर दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, वैसे ग्लैंड जो डाइजेशन में मदद करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाते हैं। ये देखिए, दिस इज द लीवर, ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट स्ट्रक्चर, दैट इज द लीवर। लीवर से बाइल निकलता है, बाइल एक प्रकार का लिक्विड है जो गॉल ब्लाडर में जमा होता है। ये हम देखते हैं गॉल ब्लाडर, तो गॉल ब्लाडर में एक रस जो है दैट कम्स इन द डियोडिनम। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड दो हुए, लीवर और दूसरा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस भी निकलते हैं और इसमें जो एंजाइम है वो तीन एंजाइम है, एमाइलेसिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये एंजाइम बचा हुआ जो भोजन है उस पर काम करते हैं और काम करने के बाद डाइजेशन पूर्ण होता है। तो हम क्या देखते हैं कि डाइजेशन हाफ स्टोमक में हुआ और हाफ डियोडिनम में हुआ। डियोडिनम में खाना पूर्णतः पच जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है डियोडिनम का, अच्छा, पेनक्रियास से अल्कलाइन मीडिया निकलता है और तीन एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेसिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। क्वेश्चन यहां पर है क्यों इन एंजाइम का जरूरत है? क्योंकि एमाइलेसिन जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, ट्रिप्सिन स्टोमक में पेप्टोन बना था, प्रोटीन टूटने के बाद पेप्टोन बना था, वो पेप्टोन जो डियोडिनम में आया उसको पेप्टोन टूटकर अमीनो एसिड में चेंज होता है। तो यहां हम देखते हैं कि डियोडिनम में ग्लूकोज और अमीनो एसिड की अधिकता पाई जाती है। ये मीडिया है अल्कलाइन, अल्कलाइन मीडिया में ये तीनों एंजाइम एमाइलेसिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज काम करते हैं। एमाइलेसिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज, एमाइलेसिन स्टार्च डाइजेशन करता है फुल्ली, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है। जैसा हम जानते हैं कि प्रोटीन टूटकर पेप्टोन यहाँ बना हुआ, तो वो पेप्टोन जो है टूटकर अमीनो एसिड बनता है ट्रिप्सिन से, और लाइपेज, लाइपेज फैट को तोड़ करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। हमें याद रखना है कि लीवर में भी लाइपेज नाम का
स्टोमक में लाइपेज नाम का एंजाइम पाया जाता है और यहाँ भी लाइपेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका बृहद स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डियोडिनम, दिस इज पेनक्रियाज, दिस इज गॉल ब्लाडर। नाउ ये गॉल ब्लाडर से और पेनक्रिया से दोनों तरह के ट्यूब डियोडिनम में खुलते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि डाइजेशन में पेनक्रियाज और बाई गॉल ब्लाडर और पेनक्रियाज दोनों का जो जूस है, जो लिक्विड है, वो डाइजेशन में जो पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों का पूर्णतः डाइजेशन करता है। अब हम देखते हैं कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट्स, डियोडिनम, जेजनम और इलियम। तो अभी हमने डियोडिनम के बारे में बताया, ये डियोडिनम जो है सो डाइजेशन पूर्ण करता है, जबकि जेजनम इम्प्टी रहता है, और इलियम एक ऐसा पार्ट है जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है। सवाल उठता है कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, जहां वैसा डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहेंगे, वैसे पार्ट जहां डाइजेशन होता है, जिस सिस्टम में डाइजेशन पूर्ण होता है उसको, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूर्ण होता है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो हम एक बार ये देखते हैं कि खाना मुंह में पच जाने के, मुंह से चबा लेने के बाद एंजाइमेटिक एक्शन अल्फा अमाइलेज यहाँ पाया जाता है, हाफ डाइजेशन होता है, बाद में डियोडिनम के ईसोफेगस के द्वारा यहाँ आता है स्टोमक में, और स्टोमक से ये डियोडिनम में आता है, और डियोडिनम में ही पैनक्रियाज तथा बाइल ये दोनों का जूस अल्कलाइन मीडिया में काम करता है, जिससे डाइजेशन पूर्ण होता है। अब आगे हम डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन देखेंगे। थैंक यू।